इधर आपको आई बटन कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा मैट्रिसेस का। ओके, तो ये अपना वीडियो नंबर कौन सा 30 है। ओके ठीक है, 28, 29 हम क्या कहते थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम कुछ जानने की कोशिश की। ओके, 28 में क्या किए हम, बेसिकली जाने कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे पहचाने। ओके, दूसरी बात, वहाँ पे कुछ अपन की पॉइंट्स को भी अपन वहाँ पे देखे थे। वीडियो नंबर 29 में हम देखो हम क्या किए, उसके प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किए। ओके, कि अगर हमारा ए इक्वल टू पी प्लस क्यू है, ए अपना क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि इक्वल किसके होगा, एक सिमेट्रिक एज वेल एज एक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ओके, दोनों को ऐड करने पर मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, विच इज फ्रॉम द टॉपिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करके अपने छोटा सपोर्ट दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए। ओके, ये अपना देखो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है विच इज 3x3 मैट्रिक्स। ओके, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए। ओके, ये अपना क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज ऑफ द ऑर्डर 3x3 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेसिकली मुझे यहाँ पे वही चीज़ को यहाँ पे मुझे शो करना है। ओके, कि मैट्रिक्स ए को हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, दैट इज इट इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो सिंस वी नो दैट ए इक्वल्स टू वॉट, अगर आपने 28 और 29 वाले वीडियो देखा होगा तो आपको ये वाला इक्वेशन पहले से दिख चुका होगा, दैट इज ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, तो इसको सॉल्व करने आपको ए मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लेट्स सपोज दिस इज माई पी पी एंड दिस इज माई क्यू, तो यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा पी और क्यू में से कौन सा अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और कौन सा अपना ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, अगर मुझे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है और अगर मुझे यहाँ पे एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है तो मैं ए को पी और क्यू वाले फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके, पर इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों में से एक अपना क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए और दूसरा अपना क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके, ये कंडीशन है दैट नीड्स टू बी फुलफिल। ओके ठीक है, अब यहाँ पे पी अपना क्या हो गया, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड क्यू को हम क्या लिखे, हाफ इंटू ए माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज लिख लिए। ओके, अब यहाँ पे ए आपको जो मैट्रिक्स है दैट इज ये जो लिखा है उसको अपन यहाँ पे लिख लिए, एंड इसका हम लोग ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, कैसे, जब का रो दिया उसको अपन कॉलम में लिख लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम करके ए का अपन लोग ए ट्रांसपोज यहाँ पे निकाल दिए। ओके, अब मुझे करना क्या है, पी और क्यू को चेक करना कि इसमें से कौन सा अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और कौन सा अपना ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, और ये है भी कि नहीं, ये भी मुझे चेक करना है भी कि नहीं, मालूम पड़ा ये सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई फॉर्म ही नहीं हो रहा है। ओके चलो ठीक है, देखते हैं आगे। पी इक्वल्स टू वॉट, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज यहाँ पे हमने देखा था। ओके, अब हाफ ऑफ ए अपना क्या देखा, वहाँ पे जो ए मैट्रिक्स थी उसको अपने यहाँ लिख लिए। ओके, प्लस ए ट्रांसपोज जो आपको दिया उसको अपन यहाँ लिख लिए। अब मुझे करना क्या, देखो ये हाफ अपन एज इट इज रहने दिए, ये देखो मुझे करना क्या, ऐड करना है, तो एडिशन तो आपको पता होना चाहिए। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन ये आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स में कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो 1 + 1 दैट इज 2, 5 - 1 दैट इज 4, 7 + 8 दैट इज 15, -1 - 5 दैट इज 4, -2 - 2 दैट इज -4, -4 - 2 दैट इज -2, यहाँ पे आ जाओ 8 + 7 दैट इज 15, 2 - 4 दैट इज -2, 13 + 13 दैट इज 26। ओके, तो यहाँ पे मुझे बताओ पी मैट्रिक्स क्या मिला मुझे, पे हाफ ऑफ ओके दिस। ओके ठीक है, अब हम देखते हैं एक बार क्यू को भी एक बार देख लेते हैं, फिर अपन कुछ पॉइंट्स को आगे अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्यू अपना क्या होता है, क्यू को अपन देखे तो ऊपर में दैट इज हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो हाफ को यहाँ रख दिए, ए मैट्रिक्स को अपन यहाँ लिख दिए, माइनस ए ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स को यहाँ लिख दिए। अब आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पता होना चाहिए, मैट्रिक्स को अपन सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो हाफ को अपन एज इट इज यहाँ दिए, 1 - 1 दैट इज 0, 5 - 1 5 - 1 - 1 दैट इज 6, 7 - 8 दैट इज -1, -1 - 5 दैट इज -6, -2 - -2 दैट इज 0, -4 - 2 दैट इज -6। ओके, यहाँ पे आ जाओ 8 - 7 दैट इज 1, 2 - -4 दैट इज 6, 13 - 13 दैट इज 0 हो गया। ओके, अब यहाँ से मुझे कुछ मालूम पड़ा, क्या बताओ, पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप सोचो कैसे। ओके, अगर आपने 28 वीडियो ओके वीडियो नंबर 28 अगर देखा होगा तो वहां पे मैंने एक चीज को डिस्कस किया था प्रॉपर्टी के बारे में, जिकनेस पर हम वहां पे कुछ नोट पॉइंट देखे थे, क्या बताओ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। ओके, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, रियल होंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे 4 2
टू, यहाँ माइनस फोर, यहाँ पे क्या है 26, दे ऑल आर रियल नंबर्स ओके। और अगर इनको अगर मैं छुपा दूं तो ये जो है, जैसे यहाँ देखो क्या लिखा है फोर, तो यहाँ भी क्या होगा फोर होगा, यहाँ 15 तो यहाँ भी क्या 15 होगा, यहाँ पे क्या देखो माइनस टू, तो यहाँ पे अपना क्या होगा माइनस टू होगा ओके। तो ये अपना क्या होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। वही अगर अपन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है देखो, यस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो अपने क्या होते हैं जीरो होते हैं ओके। और डायगोनल एलिमेंट को अगर छुपा दूं तो ये जो होंगे ये क्या होंगे अपोजिट होंगे, नंबर सेम होंगे बट साइन क्या होगा आपका अपोजिट होना चाहिए, दैट इज यहाँ पे क्या माइनस सिक्स, तो यहाँ पे क्या देखो प्लस सिक्स है, यहाँ वन तो यहाँ पे क्या माइनस वन, यहाँ पे देखो क्या सिक्स है तो अगेन यहाँ पे क्या है माइनस सिक्स है, और देखो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे क्या है जीरो है। तो इट मीन्स पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंस यहाँ पे मुझे एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे ए को हम दिखा सकते हैं एडिशन ऑफ बोथ, दैट इज पी प्लस क्यू, और पी अपना क्या है ये वाला मैट्रिक्स है और क्यों अपना क्या है ये वाला मैट्रिक्स है। इसी फॉर्म हम क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे, एंड दिस विल बी माय फाइनल आंसर ओके। थैंक यू सो मच।